अयोध्या में तैयारी बन। काशी से निकला मुहूर्त 22 जनवरी है खार। सज गया दरबार, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को सौगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में पीएम का रोड शो। मेरे राम आए हैं। जी हाँ, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं और इसी बीच 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन शुभ मुहूर्त भी आ गया है। काशी के प्रकांड विद्वानों ने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाल दिया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में अयोध्या को बड़ी सौगात देने वाले, साथ ही 30 दिसंबर को ही अयोध्या में रोड शो भी करने वाले हैं। वो पीएम के दौरे के मद्देनजर अयोध्या में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 2 जनवरी तक कैंसिल कर दी गई हैं। अयोध्या में भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी की शुभ घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। इस बीच अयोध्या में 22 जनवरी के दिन शुभ मुहूर्त का भी ऐलान हो गया। काशी के प्रकांड विद्वान ज्योतिषाचार्य आचार्य गणेश्वर शास्त्री ने 22 जनवरी के लिए दुर्लभ संयोग निकाला है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 10:30 बजे से शुभ लग्न शुरू होगा। दोपहर 12:15 से 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है। मेष लग्न और अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मुहूर्त में 6 ग्रहों का अनोखा संगम है। वृश्चिक नवांश में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी है, सोमवार है, मृगशीर्ष नक्षत्र है, उच्च राशि का चंद्र है, अभिजीत का समय है, मध्याह्न में आता है। अभिजीत के समय महाविष्णु आकाशमंडल में रहकर सुदर्शन चक्र के द्वारा सारे दोषों को निवारण करते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तदनुसार वो मुहूर्त है। फिर 24 घंटे में 12 राशियों के अनुसार 12 लग्न होते हैं, तो उस दिन यानी 22 जनवरी को दोपहर के समय प्रतिष्ठा के समय मेष लग्न है। मेष लग्न में गुरु है, उस गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर पड़े गुरु की दृष्टि होने से सबके सद्विचार होंगे, जो भगवान की सेवा करेंगे और मन की प्रवृत्ति भी अच्छी रहेगी 7वें स्थान में दृष्टि होने से, और 9वें स्थान पर दृष्टि होने से धार्मिक कार्य होगा, उपासना अच्छी होगी और भाग्योदय होगा, उन्नति होगी। जब भगवान की होगी तो देश की भी होगी। 22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उससे पहले 30 दिसंबर अयोध्या के लिए खास होने वाला है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या को श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी अयोध्या वासियों का रोड शो के जरिए अभिवादन भी करने वाले हैं। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक यानी 8 किलोमीटर का पीएम मोदी रोड शो कर सकते हैं। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अयोध्या में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 30 दिसंबर को अयोध्या पधार रहे हैं और उस दिन वो एयरपोर्ट का, रेलवे स्टेशन का और अन्य योजनाओं का रामपथ, राम जन्मभूमि पथ और भूमि पथ अयोध्या का, ये जितने रास्ते चौड़ीकरण किए हो रहे हैं, जितने काम चल रहे हैं, जनसभा के साथ साथ क्या रोड शो लोकार्पण होंगे और उसके बाद उनकी एक जनसभा भी होगी, रोड शो भी होगा। तो जब वो गुजरेंगे तो रोड शो ही है, तो जनता उनके लिए पागल है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर के दिग्गजों को निमंत्रण भेजने का सिलसिला जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से गोरखनाथ मंदिर के ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी को भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजा गया है। गोरक्षनाथ पीठ के ब्रह्मलीन महंतों ने राम जन्मभूमि की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए महंत अवैद्यनाथ की समाधि स्थल पर निमंत्रण दिया गया। और सभी पूज्य संतों का मंत्र और अपने विश्वहिंदु परिषद सहित संघ विचार परिवार के सभी संगठनों का तंत्र मिल करके एक छोटे से कालखंड में हिंदू समाज के 500 वर्षों की प्रतीक्षा को पूरा किया है। आज हम सब सौभाग्यशाली पीढ़ी के हिंदू हैं कि जो 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होते हुए अपने आँखों से देखेंगे। इसमें पूज्य महाराज जी के, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी के लिए यह निमंत्रण कार्ड राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने भेजा है, वह निमंत्रण कार्ड आज उनके श्री चरणों में हमने पहुंचा दिया है। वहीं कानपुर में भी विश्व हिंदू परिषद ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के लिए बैठक की और आगे की कार्य योजना की रणनीति बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो हम देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राम भक्तों का उत्साह भी वैसे वैसे ही बढ़ता ही जा रहा है और तैयारियां काफ़ी हो रही हैं, क्योंकि ये गौरवशाली पल कई वर्षों बाद आया है जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। 22 जनवरी का वो दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त इस दिन तय किया गया है और काशी के प्रकांड विद्वानों ने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाल दिया है। तो ये वो दिन होगा और मुहूर्त की घड़ी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, राम भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कई सौगातें भी इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या को देंगे। आगे बढ़ते हैं, 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसे लेकर जहां भक्त और स्थानीय लोग बेहद खुश हैं, वहीं देश विदेश से भी भक्तों का अयोध्या में आना जाना शुरू हो चुका है और इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पल को लेकर क्या सोच रही है अयोध्या, आइए जानते हैं। भजन गायन का दौर भी अयोध्या में चल रहा है, क्योंकि अयोध्या तो उत्सव मना रही है, उत्सव श्री राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने का। और ये लोग कह रहे हैं कि असली मायने में राम का वनवास तो अब खत्म हो रहा है। तो चलिए शुरुआत अपने इस कार्यक्रम की सबसे पहले सरयू वंदना के साथ करते हैं। जय सरयू मैया, जय अवधि, जय अवध, जय श्री राम, जय श्री राम जन्मभूमि। और माँ सरयू की गोद में हम सभी आज आकर के बैठे हैं और रामायण में इनकी महिमा है, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप का वेद पुराना। तो माँ सरयू जी के गोद में आकर के जो लोग स्नान करते हैं, उनकी शरण लेते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। आइए बड़े भाव के साथ भजन को गाना है। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सरयू मैया की। सरयू की महिमा महान जी, सरयू की महिमा महान जी, बहती अमृत धारा। सरयू की महिमा महान जी, बहती अमृत धारा। अमृत धारा जी,
अविरल धारा अमृत धारा जी, सरजू की महिमा महान जी बहती अमृत धारा। सरयू की महिमा महान जी बहती अमृत धारा। इंतजार अयोध्या वासियों को किस तरह से 22 जनवरी का है ये जानते हैं, क्या तैयारी है? 22 जनवरी को लेकर के पूरे अयोध्या में जोर शोरों से तैयारी चल रही है, हर घर उमंग के साथ है, हर घर में एक उत्सव सा माहौल है, क्योंकि ऐतिहासिक पल हमारे और आपके बीच में आने वाले हैं। हजारों वर्षों का जो संघर्ष रहा है अब वो कहीं न कहीं पूर्ण होने की ओर है, हमारे आपकी जो हजारों वर्षों की जो तपस्या है वो सफल होने वाली है। अयोध्या नगरी जहाँ का कण कण चैतन्य है, जहाँ का कण कण ऊर्जावान है, यदि हम किसी भी कोने पर भी अयोध्या के हम बैठते हैं तो वहाँ एक अलग शांति की अनुभूति होती है, तो एक हर घर में एक उत्सव का माहौल है। बहुत बहुत अड़चने आई, बहुत अड़चने आई, 500 सालों का संघर्ष है और अड़चने सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी थी, बहुत मुश्किल। अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या किसी धर्म विशेष की अयोध्या नहीं है, अयोध्या के अंदर जब आप आएंगे ना तो बाहर से जरूर ये सुनने को मिलता है कि बहुत विवाद है, अदालत में लड़ाई भी बहुत लंबी चली, लेकिन अयोध्या के अंदर आने के बाद आपको महसूस होगा कि यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ सिर्फ एक धर्म है और वो धर्म है राम का धर्म, अयोध्या का धर्म। दिल में किस तरह के भाव हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग कि 14 वर्ष बाद भगवान अयोध्या आए थे, हो सकता उस टाइम पे क्या माहौल रहा हो, हम लोग तो नहीं थे, हमारे पूर्वज लोग थे, लेकिन इस समय हमारे प्रभु श्री राम जो ये एक अस्थाई मंदिर से भव्य मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा पूरा परिवार पूरा समाज एक अलग तरीके के उत्साह से उत्साहित है कि जल्दी वो 22 घर में किस तरह की चर्चा होती है? घर में चर्चा होती है कि जो है जब प्रभु श्री राम हमारे आ रहे हैं, तो एक दीपावली तो हम उस टाइम पे मना रहे थे हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया था, लेकिन आज वो दीपावली हम लोग स्वयं उसका वो कर रहे हैं कि हमारे घर में स्वयं हम लोग दीपावली का जो दिन तारीख निश्चित होगी, बड़ी दीपावली 22 जनवरी वो हम लोगों के लिए और बड़ी दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। बच्चे उत्साहित हैं, बुजुर्ग उत्साहित हैं, लोग कहते हैं कि हमारे जो बलिदानी थे कोठारी बंध जैसे जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, आज दिन उनके उसका भी फल मिल रहा है और नम आंखों से मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ। आज दिन उन लोगों का ही पुण्य प्रताप है, उन लोगों का ही साहस और वो है जिससे हमारे प्रभु मंदिर में आ रहे हैं, जिनका दिव्य मंदिर बन रहा है। बिल्कुल, तो हमारे प्रभु मंदिर में आ रहे हैं, कुछ यही भाव हर दिल में है, अयोध्या के हर वासी के मन में है। और बात करते हैं, ये बताइएगा आपने वो वक्त देखा है जब कार सेवा हुई थी, आपने वो वक्त देखा है जब सैकड़ों लोग चल पड़े थे अयोध्या सिर्फ इसलिए कि उन्हें उनके राम चाहिए, अपने मंदिर में चाहिए। जैसे हम यहाँ से 35 किलोमीटर दूर से हैं और हमने कार सेवकों के उस जुनून को देखा है जो मौत से भी लड़ने के लिए तैयार थे, उस समय हमारी उम्र 14 से 15 वर्ष रही होगी, और हमने देखा है वो उनको ना कहीं कांटों की डर था, ना उनको सांप बिच्छू का डर था, ना उन्हें कुत्ते जानवरों का डर था, वो ऐसे खेतों से बिल्कुल बदहवास से निकलते चले जाते थे। तो इसी के साथ ही हमारे खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।